सबको नमस्कार। मेरा नाम पंकज जसाथिया है। बाय प्रोफेशन एडवोकेट, जम्मू हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसके साथ साथ एमवे बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ एज अ करियर। इस मीटिंग का मैं होस्ट रहूंगा आज, और सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ इस वंडरफुल बिजनेस मीटिंग में। और जो नए लोग आए हैं स्पेशली, उनका वेलकम मैं करता हूँ आज। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी नए लोगों से स्पेशली कि अगर आज आपने टाइम निकाला है तो प्लीज ध्यान से इस मीटिंग को सुनिएगा, इस प्रेजेंटेशन को सुनिएगा। हो सकता है आपकी लाइफ चेंज हो जाए आज, आपकी लाइफ में भी यू टर्न आ जाए, क्योंकि जिस अपॉर्चुनिटी की आज बात होने जा रही है लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। तो हमारे बीच में आज जो स्पीकर हैं, जो इस प्रेजेंटेशन को हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं, वो तो बहुत सक्सेसफुल हैं इस बिजनेस में भी और अपनी जॉब में भी। वो खुद अपने बारे में बताएंगे, गवर्नमेंट जॉब में हैं वो। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं कॉल करूंगा हमारे आज के स्पीकर को। सो हेल्प मी वेलकम प्लैटिनम डायरेक्ट्स मिस्टर हेमराज एंड पूजा वर्मा ऑन स्टेज। वेलकम सर, ओवर टू यू। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सो आई थिंक थोड़ा सा उनका नेटवर्क चैलेंज है, तो अभी वो ठीक कर लेंगे उसको। सो तब तक मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ, कि एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे, कि अपना पेन डायरी जरूर साथ रखिएगा, क्योंकि आज जो प्रेजेंटेशन होने जा रही है वो अमेजिंग प्रेजेंटेशन होने जा रही है और बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आज हमें मिलने जा रही है। पंकज देखना, हेलो आवाज आ जी रही है? सर जी, अभी क्लियर है बिल्कुल सर। बोर्ड ठीक है, लाइट शाइट ठीक है सर? हाँ जी सर ठीक है। थोड़ा राइट साइड कर लीजिए बोर्ड को, अपने लेफ्ट साइड, या कैमरा सेट कर लीजिए थोड़ा दूसरी तरफ। ठीक है ठीक है ठीक है सर। अब लाइट देख लेना थोड़ी। लाइट ठीक है सर। हाँ ठीक है, लाइट ठीक है अभी। ठीक है, विजिबल है बोर्ड? हाँ जी सर, हाँ जी, कीजिए कंटिन्यू। देख सकते हो इधर? ओके ओके सर। चलिए सबको नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और मेरा नाम हेमराज वर्मा है, और मैं और मेरी वाइफ मिलके हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो हियर इज माय वाइफ, पहले ये कुछ बोल देंगे और फिर मैं आपसे बात करता हूँ। थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे इज द बेस्ट डे, और हमारा हर दिन बेस्ट होता है, क्योंकि गॉड की ब्लेसिंग है हमारे पे। इतने अच्छी अपलाइन हमारे साथ है, और ये एमवे बिजनेस हमारी लाइफ में आया, तो इसलिए हम जितने भी लोग एमवे में हैं सारे मतलब बेस्ट ही हैं, है ना? तो बेस्ट ही होना चाहिए, मतलब जो भी हम सोचते हैं, सपने हैं हमारे, कितने सपने हैं सब कुछ वो परमात्मा की कृपा से सारे पूरे होंगे हमारे। बस आज यही बोलना चाहूंगी पहले स्टार्ट में। मैम आपका फेस आधा दिख रहा है थोड़ा कैमरा के जी। अब दिख रहा है जी मैम? हाँ जी। तो अभी तो स्टार्ट करेंगे हम मीटिंग को, क्योंकि एक दिन हमने भी ऐसे ही प्लान देखा था और हमारी लाइफ में यू टर्न आ गया। तो मैं यही सबसे चाहूंगी, जो भी लोग इस मीटिंग के साथ जुड़े हुए हैं, कॉपी पेन लेकर बैठे और मतलब नोट डाउन करें हर एक चीज को, क्योंकि जो सुनते हैं ना हम तो वो हमारे दिमाग से निकल जाता है, लेकिन जो हमने कॉपी पे नोट किया होता है वो जब भी हम डायरी खोलते हैं हमें याद आ जाता है कि हमने क्या लिखा था, क्या सुना था, है ना? तो मैं यही चाहूंगी कि आप वर्मा सर को सुनिए और पूरा प्लान सुनिए। होता है कई बार होता है कि कुछ चीजें होती हैं हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, है ना? तो अगर हमें लिखेंगे और तो कर देंगे तो अच्छा होगा, ठीक है ना? तो अभी स्टार्ट करते हैं हम मीटिंग को, तो बाद में आपके साथ फिर से इंट्रोड्यूस होंगे हम, आपके अपने बारे में थोड़ा बताएंगे कि हमने कैसे बिजनेस किया और कैसे हम कर रहे हैं, थोड़ी आप अपनी वो करेंगे, बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच पंकज।
थैंक यू ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। टुडे इज द बेस्ट डे, बहुत जबरदस्त आज का दिन रहा और अभी रात भी हमारी जो है बड़ी जबरदस्त क्लोजिंग होने वाली है, क्योंकि आज हमें मौका मिला आप सबके साथ बात करने का और इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को शेयर करने का। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं और पिछले 20-25 साल से मैं जॉब में हूं। तो जॉब में जब जॉब नहीं थी तो तब सोचते थे जॉब मिल जाए तो जीवन बढ़िया हो जाएगा, पर जब जॉब मिली तब हमें पता चला कि हाँ भाई आटे दाल का भाव क्या होता है, जो सरकारी जॉब करके पूरे नहीं हो सकते। तो नो डाउट अच्छी जिंदगी चल ही रही थी, जैसे मतलब कि एक बहुत बार आप सुनते हो कि कंप्रोमाइज वाली लाइफ हम जी रहे थे इस जॉब के अंदर, पर हमारे सपने बड़े थे इसलिए हम इस बिजनेस में हैं। मैं अपनी जॉब के साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर करता था और शुरू से मैं जब पढ़ाई करता था मैं उसके साथ भी मैं कुछ ना कुछ साइड वे करता था, फिर जब मैं जॉब में आया तब भी मैं पार्ट टाइम में कुछ करता था। तो ये बिजनेस हमें मिला, तो पहले एक बार हमें मिला समझ नहीं आया, पर सेकंड टाइम हमें ये बिजनेस समझ आया तो इस बिजनेस को हमने स्टार्ट किया। जब स्टार्ट किया तो हमने ये सोचा था चलो 10-12 हज़ार 15 हज़ार अगर हमें साइड से इस बिजनेस से बन जाएंगे तो हमारी लाइफ थोड़ी और बेटर हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम इस बिजनेस में बढ़ते गए, जैसे जैसे हम सिस्टम के साथ प्लग होते गए, जैसे जैसे हमने अपलाइन के साथ अपना रिलेशन टाइट रखा, उनके साथ रिलेशन बनाया, और वैसे वैसे हमारा बिजनेस जो है दिन ब दिन बढ़ता गया। और मैं अपनी बात करूं कि जब हम इस बिजनेस में आए तो हम बड़े मतलब कि इस टाइप के बंदे थे कि बात नहीं मानते थे, अपलाइन हमें कुछ बोलती थी हम ऐसे बहाने लगाते थे कभी कहां मैं उधर हूं, क्योंकि उस टाइम हमें बिजनेस समझ नहीं आया था। लेकिन जब समझ आ गया तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने फोन करना शुरू किया कि ना कि उन अपलाइन ने फोन किए। तो बहुत बढ़िया, आज अगर हम बात करें ये जो अपॉर्चुनिटी है, अगर हम बात करें एमवे की, तो एमवे की बात क्यों, आज क्यों हम एमवे के बारे में बात करने जा रहे हैं, आप जितने भी लीडर आप जुड़े हुए हो, क्यों आप इस मीटिंग के साथ जुड़े हो, ये हर एक चीज जब बात हम करते हैं तो यहीं से शुरू होती है, एक चीज बाहर निकल के आती है वाई, क्यों हम मतलब कि कोई भी काम है जब वाई से शुरू होता है क्यों करें भाई, ठीक है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं क्यों करें, ठीक है, अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं तो क्यों करें, अगर हम बिजनेस करें तो क्यों करें, ठीक है, अगर हम जॉब करते हैं तो क्या है, ठीक है, फिर बिजनेस करते हैं तो क्यों है, फिर अगर प्रोफेशनल है तो क्यों है, इन सब का जो मोटिव है वो है मनी। जो भी काम हम करते हैं उस सब काम के पीछे क्या है, हमारा जो रीजन है वो है पैसा। अगर इस पैसे को अगर यहां से निकाल दिया जाए और आपको बोला जाए इसको पैसे को यहां से क्या कर दी जाए, निकाल दिया जाए और आपको बोले जाओ भाई जॉब कर, जॉब पे जाओ, जाएगा कोई? कोई नहीं जाएगा। मैं दुकान खोलो करेगा कोई? फिर उसके बाद ठीक है कोई प्रोफेशन नहीं बनेगा। ठीक जाओ मेरा बैग लेते हैं, तो चलिए बात करते हैं कि क्यों आज हमें एमवे बिजनेस की जरूरत है। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि जो महंगाई है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। ठीक है, अब 2 साल में अगर आप देखेंगे तो लोगों की जो इनकम है वो कम हुई है, और जब इनकम कम होगी तो नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस आएगा, उस स्ट्रेस की वजह से हमें क्या होंगी, डिजीज बनेंगे। और अगर हम मैं तो सीधे बात करता हूँ कि आज हमें एमबीए की क्यों जरूरत है, क्यों हमें एमबीए बिजनेस करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें वाई एमबीए, ठीक है, एमबीए की बात की जाए क्यों करें, एमबीए के साथ क्यों जुड़े, पहली बात है कि हर कोई जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है और एमबीए हमें मौका देती है आगे बढ़ने के लिए। पहली बात हम ये जान लें कि हाँ भाई हमें जो पैसे की जो जरूरत है वो कब कब कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी या पीछे पड़ती रही है। तो एक सर्वे हुआ है 1940 के अंदर कि एक परिवार को 10 रुपए से परिवार चलाने के लिए 10 रुपए बहुत थे, ठीक है, उस परिवार का खर्चा चलाने के लिए। पर उसी परिवार को चलाने के लिए 20 साल का गैप आगे दिया और 10 के साथ एक जीरो लगा तो कितने हो गए, 100। हर 20 साल के बाद मतलब कि ये दिखाना चाहते हैं कि हर 20 साल के बाद हमारी जो इनकम है वो कम से कम 10 गुना होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें 10 रुपए का 20 साल के बाद 10 गुना हो गया 100 रुपया, 2080 में 10 गुना हो गया 1000 रुपया। वही फिर 2000 की बात की जाए, 2000 में फिर कितने की जरूरत, 10,000 रुपए की 2020 में,
1,00,000 रुपए की। तो जब हमें ये प्लान दिखाया गया था तो हमारे जो ग्रेट अपलाइन थे उन्होंने बोला था कि 2020 में आपको 1,00,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो तब हमें विश्वास नहीं हुआ कि हाँ भाई 1,00,000 रुपए, हम सोचते थे 1,00,000 रुपए बहुत होता है, पर आज के टाइम में अगर हम देखें तो 1,00,000 रुपए से कुछ नहीं होता है, ठीक है। मुश्किल से हम अपनी जरूरतों को पूरी करते हैं। तो दोस्तों अगर इसी हिसाब से अगर महंगाई बढ़ती गई 2040 में 40,00,000 रुपए, सॉरी 2040 में 10,00,000 की जरूरत पड़ेगी, तो इसी तरह अगर आपको लगता है कि अगले 20 साल में, क्योंकि 2021 चल रहा है तो अगले 20 साल के अंदर अगर आपको लगता है कि हमारी इनकम 10,00,000 रुपए हो सकती है तो फिर ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। पर अगर आप 1,00,000 रुपए से भी कम कमा रहे हो, या 1,00,000 रुपए कमा रहे हो, 2,00,000 रुपए कमा रहे हो, ठीक है, आप ये सोच के देखो कि अगले 10 साल के अंदर या अगले 20 साल के अंदर क्या हमारी इनकम 10,00,000 रुपए हो सकती है। अगर नहीं हो सकती है तो आज का प्लान आपके लिए है। तो इसी तरह क्या है, ये तो हमें पता चल गया कि हमें कब कब कितने कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। फिर आज हमें एमपे के साथ मिलके हमें क्या हो सकता है, ठीक है, ये इनकम बढ़ाने का एक मौका मिल सकता है। और जब भी हम कोई काम करते हैं उसके रिवार्ड देख के काम करते हैं कि मिलेगा क्या हमें। अब जब हम नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, जब प्रोफेशनल बनते हैं, हम ये सोच के करते हैं कि हमें उससे मिलेगा क्या। एक बात तो हमें समझ आएगी, पैसा मिलेगा। और एमबीए बिजनेस की अगर बात करें कि एमबीए से जुड़ के हमें क्या मिलेगा, हमें क्या रिवार्ड मिलेंगे, रिवार्ड तो ठीक है, क्या रिवार्ड मिलेंगे। पहला रिवार्ड होगा मनी फ्रीडम, पैसे की आजादी, इसमें मार्क देखेंगे, पैसे की आजादी, ठीक है, पैसे की फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, मनी फ्रीडम। मनी फ्रीडम क्या होती है, जब पैसा खर्च करने की जब पैसा खर्च करना हो तो हमें सोचना ना पड़े कि हाँ भाई यार मैं इधर 1,00,000 रुपया खर्च करूं, या किसी की मदद करनी पड़े तो हमें ये ना सोचना पड़े कि हाँ भाई, हमें ये ना सोचना पड़े कि हाँ भाई अपनी जेब की तरफ या अपना बैंक अकाउंट ना चेक करना पड़े। तो ऐसी फ्रीडम जब हम जब चाहें जितना पैसा हम खर्च कर सके, सोचना ना पड़े, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। जैसे मार्केट में जब हम जाते हैं कोई चीज ले खरीदना चाहते हैं तो हमें ये ना सोचना पड़े कि हाँ भाई ये चीज आज ले या कल ले या अगले महीने ले, पसंद आई उसी टाइम हम चीज ले सकते हैं। उसके बाद क्या है, टाइम की फ्रीडम, टाइम फ्रीडम मिलेगा। आप किसी के पास पैसा है पर टाइम नहीं है, पंकज एक मिनट मार्कर नहीं चल रहा, मैं एक मिनट मार्कर देख लेता हूँ। ओके सर, ओके, वैसे आपको दिख रहा है पंकज मार्कर, ये विजिबल है सर? अभी तक तो विजिबल है, दिख रहा है। चलो ठीक है, तो क्या मिलेगी, टाइम की फ्रीडम मिलेगी। फिर क्या होगा इसके साथ, फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जिसकी वजह से आज लोग क्या है परेशान है फ्यूचर के लिए कि हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, ठीक है। इस बिजनेस से आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सकती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होती है कि जब हम कोई काम करते हैं उसकी जो इनकम है वो हमारे बाद आती रहे, उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं एक इनकम हम बढ़ाते हैं, जैसे ये मिस्टर ए है, इनकी फैमिली है, अगर ये मिस्टर ए 1,00,000 रुपए महीने का बनाते हैं किसी वजह से, अगर ये यहाँ नहीं बढ़ा पाते हैं, ठीक है, तो ये जो इनकम है ये इसी के साथ खत्म हो जाएगी, इनको जाके कहीं काम करना पड़ेगा। और एमबे बिजनेस के अंदर अगर आप इस एक ऐसा सिस्टम है, अगर ये इनकम आप बनाओगे 1,00,000 रुपया, वो आपके बाद आपके बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगी, वो बाद में उनके बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस तरीके की क्या है कि इनकम बढ़ा सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंस मतलब पैसे की सिक्योरिटी, जो आपको घर में इनकम आ रही है वो इनकम आती रहे, वो वाली इनकम आप इसमें जनरेट कर सकते हो। फिर उसके बाद आइए रिकग्निशन, वर्ल्ड वाइड नेशनल और इंटरनेशनल हम वो कर सकते हैं रिकग्निशन। तो रिकग्निशन मिलेगा। उसके बाद क्या है, वर्ल्ड टूर, हर साल फॉरेन घूम सकते हैं। उसके बाद क्या मिलेगा आपको, गुड हेल्थ और हेल्प अदर, बहुत सारे लोगों की हम क्या कर सकते हैं इस बिजनेस में हेल्प कर सकते हैं।
और मैंने बात की इधर की वर्ल्ड टूर जा सकते हैं, जैसे हम हमारी अपलाइन हर साल क्या करती है, फॉरेन घूमती है और हमें भी मौका मिलता है फॉरेन जाने का, और ऐसे ही गुड हेल्थ, और जब से हम इस न्यूट्रिशन के साथ जुड़े हुए हैं, हेल्थ की अगर बात की जाए तो आज हमारे पेरेंट्स भी ओल्ड एज के अंदर हैं, तो कोई भी घर के अंदर कोई खास मेडिसिन यूज नहीं होती, हम सभी को न्यूट्रिशन जो एमवे का ब्रांड है न्यूट्रलाइट उसको हम यूज करते हैं, उसकी वजह से हम लोग हेल्दी हैं। तो बहुत सारे लोग मतलब कि अगर हम देखें तो जिनके बच्चे होते हैं और वो बच्चे जो उनके ना एक फैमिली डॉक्टर बन जाते हैं चाइल्ड बच्चों के, ठीक है, लेकिन हमारा कोई भी मतलब कि ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो हम, पहला नंबर है कि हमारे बच्चे टच वुड की बीमार कम होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कि ये जो न्यूट्रिशन हम यूज करेंगे तो क्या रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, फिर हेल्प अदर दूसरे लोगों को हेल्प कर सकते हैं, पैसा कमाने, सोचिए कितनी बड़ी बात है अगर हम किसी को, जैसे हमें हेल्प किया विजय और दीदी कैलाश जसातिया ने, ठीक है, हमें हेल्प किया प्लेटरम जाने के लिए, आज हमारे घर में एक बहुत अच्छी इनकम आती है और बहुत खुशी होती है जब वो इनकम हमारे अकाउंट के अंदर आती है। तो ऐसे ही हम बहुत सारे लोग, हमारी टीम के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो एक बहुत ही अच्छी इनकम बढ़ाते हैं, ठीक है, 50,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक लोग इनकम बढ़ाते हैं, और अगर हम देखें बहुत सारे लोग 5,000 से लेके 50,000 तक भी लोग इनकम बढ़ाते हैं। तो ये क्या है, हेल्प करते हैं हम लोगों को, तो इस तरीके से ये जो रिवार्ड है ये हमें इस बिजनेस के अंदर मिल सकते हैं। अब बात आती है कि क्या कोई ऐसा और काम है जिस काम के अंदर हम ये वाले रिवार्ड ले सकते हैं, ठीक है। सोचिए एक नाम सुनते ही एक शरीर के अंदर एक एनर्जी अलग तरह की आ जाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, पैसे की आजादी मिलेगी, है ना। फिर जब पैसा होगा तो टाइम, ठीक है, तो टाइम भी होना चाहिए उस पैसे को एंजॉय करने के लिए। बहुत सारे लोगों को पैसा है पर टाइम नहीं है, ठीक। फिर सबसे बड़ी बात है कि बच्चों का क्या होगा, तो उसके लिए फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी इस बिजनेस के अंदर बहुत जबरदस्त मतलब कि ये एक रिवार्ड है। अगर कोई भी बंदा ये लेना चाहे तो ये एक ही प्लेटफॉर्म है जो एमवे आपको क्या करती है, प्रोवाइड करती है। अगर आपके सपने हैं, अगर ये चीजें आप पाना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा काम है, अगर वो काम आप कर लो तो ये चीजें आपके आपको मिल सकती हैं। तो अगर मैं बात करूं बहुत सिंपल सी चीजें करनी है, क्या करना है ये रिवार्ड पाने के लिए, छोटा सा काम है वो आप ऑलरेडी करते हैं और उसी काम को थोड़ा अलग ढंग से करना है। जैसे मान के चलते हैं अगर कोई भी काम करना हो, कोई भी बिजनेस करना हो, ठीक है, वो बिजनेस होता कहलाता क्या है वो, ठीक है, वो एक प्रोडक्ट बनता है और कहाँ बनता है, फैक्ट्री के अंदर बनता है, फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट बनता है, और ये जो प्रोडक्ट है ये कौन इस्तेमाल करता है, कस्टमर। फैक्ट्री का काम है प्रोडक्ट बनाना और कस्टमर का काम है प्रोडक्ट को यूज करना, और होता क्या है जो भी चीज फैक्ट्री में बनती है कस्टमर तक पहुंच सीधे नहीं पहुंचती है, बीच में एक मार्केट होती है, उस मार्केट को हम बोलते हैं, ठीक है, जिसके बीच में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। अगर बात करें कस्टमर कहाँ जाता है, रिटेलर के पास, रिटेलर कहाँ जाता है किसी होलसेलर के पास, होलसेलर कहाँ जाता है किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास, ये कहाँ जाता है जॉबर एंड एडवर्टाइजर के पास, ये कहाँ जाता है फैक्ट्री में। कोई भी चीज जो है वो फैक्ट्री के अंदर बनती है, ये उसकी एडवर्टाइजमेंट कराता है, ये उसकी डिस्ट्रीब्यूशन से भी लेता है, होलसेलिंग करता है, रिटेलिंग करता है, और फिर जाके कस्टमर तक पहुंचती है। इस दौरान के अंदर क्या होता है कि मान के चलते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जब 3 रुपए का बनता है, इधर घूमते घूमते कस्टमर के पास 10 रुपए का पहुंच जाता है, 7 रुपए लगभग कहाँ चले जाते हैं हमारे इस सिस्टम के अंदर चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम मिडल मैन, जो फैक्ट्री और कस्टमर के बीच होते हैं, और ये क्या करते हैं प्रोडक्ट को उठाते हैं और कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो 70% लगभग क्या ले लेते हैं, 70% पैसा ले लेते हैं। 30 रुपए की चीज कस्टमर को कितने की मिल रही है, 100 रुपए में। फिर 300 रुपए की चीज कितने की मिल रही है, 1,000 में। और 3,000 की चीज कितने की मिल रही है, 10,000 में। तो एवरेज फैमिली का जो खर्चा है वो 10,000 रुपया तो हो ही जाता है। 10,000 रुपया अगर किसी फैमिली का खर्चा है और 7,000 रुपया लगभग कहाँ जा रहे हैं, इस मार्केट के अंदर जा रहे हैं। और ऐसे ही अगर 12 महीने अगर ये ऐसे खर्च करता है तो 84,000 रुपया साल के कहाँ जा रहे हैं, 84,000 रुपया साल के कस्टमर के कहाँ जा रहे हैं, ये इस मार्केट के अंदर जा रहे हैं। आप सोचो अगर किसी इंसान के 70% पैसे किसी और के पास चले जाए
सोचिए उस आदमी के सपने कभी पूरे हो सकते हैं क्या? वो अपने बच्चों को अच्छे कपड़े, जो उसका सपना होता है, जैसे मान के चले कस्टमर जब पैसा नहीं बना रहा था, या मतलब कि शुरू में जब वो स्टार्ट करता है किसी इनकम को, उस इनकम का जो हिस्सा है वो 70% जो है वो मार्केट के अंदर चला जाएगा। और जब मार्केट के अंदर 70% पैसा चला जाएगा, जो कस्टमर जो सपने अपनी फैमिली और अपने लिए जो देखता था, वो सपने पूरे किसके होते हैं? इन मिडलमैन के होते हैं, ठीक है। और जब इनके सपने पूरे होंगे, कैसे होते हैं? इनके सपने पूरे करने में जो मदद कर रहा है वो कौन है? कस्टमर है। इनके सपने पूरे करने की पावर किसके अंदर है? कस्टमर के अंदर है। अगर ये कस्टमर इनके सपने पूरे कर सकता है, अगर इसको समझ आ जाए कि हाँ भाई ये जो 70% पैसे की वजह से इनके सपने पूरे हो सकते हैं, और यही 70% पैसा अगर हमें वापस मिल सकता हो तो हमारे भी सपने पूरे हो सकते हैं, तो क्यों ना कस्टमर क्यों ना जुड़ेगा, अपने आप को चेंज क्यों नहीं करेगा कस्टमर? तो इस तरीके से क्या है, फिर इस चीज को जब स्टडी किया, इसको एमवे ने स्टडी किया, इसने बोला कि हाँ भाई देखो ये सारे लोग जो है वो डिपेंड किसके ऊपर है? कस्टमर के ऊपर है, ठीक है। सबको अमीर करने वाला आदमी कौन है? ये कस्टमर है। तो इन्होंने बोला कि प्रोडक्ट तो इसको चाहिए चाहिए, तो एमवे ने बोला कि हम भी क्या करेंगे, हम भी वही प्रोडक्ट बनाएंगे जो कस्टमर की जरूरत का होगा। जैसे क्या हमारी जरूरतें क्या है, जैसे साबुन है, पेस्ट है, शैम्पू है, ठीक है, बहुत सारी चीजें घर में कॉस्मेटिक होते हैं, घर की बर्तन धोए जाते हैं, कपड़े धोए जाते हैं, ये सारी की सारी जरूरतें किसकी है? कस्टमर की। और वो चीजें जो बनती है वो फैक्ट्री में बनते हैं, तो एमवे ने भी क्या बोला कि हम वही चीजें बनाएंगे जो कस्टमर को चाहिए होंगी, पर हम क्या करेंगे, सीधा कस्टमर के साथ डील करेंगे, सीधा कस्टमर के साथ डील करेंगे, इसको बोलेंगे भाई तू जो इधर जाता है, ठीक है, इनको छोड़, सीधा मेरे साथ आ जा, जब मेरे साथ जुड़ जाओगे तो आप जुड़ने के लिए आपको क्या, दो तरह से आप इस बिजनेस के साथ एमवे के साथ जुड़ सकते हैं, एक आप कस्टमर बन के जुड़ सकते हैं, एक आप बिजनेसमैन बन के जुड़ सकते हैं। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो आपको बोला जाता है एडीआर, और एडीआर का कुछ क्राइटेरिया होता है, वो करने के बाद आप एडीएस बन जाते हैं। तो अगर आपने खाली प्रोडक्ट ही यूज करना है तो आपकी डिटेल इसमें मिलेगी, अगर आपने बिजनेस करना है तो आपको इसमें डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, बैंक अकाउंट देना पड़ेगा। तो ऐसे ही जब इसके साथ आप जुड़ जाते हैं तो कंपनी आपको जब भी आप जहां से प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको पहला नंबर 6% लगभग क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा प्रोडक्ट के ऊपर। कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदोगे 6% लगभग आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, और 6% ही आपको क्या मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट, जिसको हम कैश बैक बोलते हैं, ठीक है, जो आपको क्या आएगा 6% आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। फिर 10% हम CSI ले सकते हैं, CSI ले सकते हैं, वो अलग तरीका है। फिर 6% हम क्या ले सकते हैं, एक रॉयल्टी इनकम ले सकते हैं, और बहुत तरह के तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 40% जो है इसमें 60% पैसा हमें वापस मिलता है। अब जब आप यहाँ से प्रोडक्ट लेंगे, पहला नंबर 30 दिन की गारंटी होगी, है ना, 30 दिन की गारंटी होगी, 30% क्या करेंगे प्रोडक्ट को यूज करेंगे, अगर प्रोडक्ट आपको पसंद ना आए तो वापस करना, और 100% आपने पैसे क्या लेना, वापस लेना, मनी बैक गारंटी। और प्रोडक्ट कौन से होंगे, ऑर्गेनिक, जिनके अंदर कोई हार्मफुल केमिकल नहीं होगा, जो आपको हमारे एनवायरनमेंट को या हमारे शरीर को या इस मतलब कि किसी भी चीज को क्या नहीं करेगा, हार्मफुल नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है, कोई एनिमल टेस्टिंग नहीं होती, ठीक है, सीधा ह्यूमन टेस्टिंग होती है, और ह्यूमन टेस्टिंग के बाद ही इसको क्या किया जाता है, मार्केट किया जाता है। और ये खाली इंडिया में ही नहीं किया होता है, बहुत सारी कंट्री, 113 कंट्री का लगभग क्या होता है ये बिजनेस, इस प्रोडक्ट को यूज किया जाता है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको इतने सारे बेनिफिट मिलेंगे। सबसे बड़ी बात क्या कि आपको एक बिजनेस करने का मौका देती है कंपनी, कहती है कि आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और उस बिजनेस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी एक इनकम को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ अगर हम देखें तो क्या मुश्किल, कोई मुश्किल काम नहीं है, हमने खाली एक दुकान बदली, ठीक है, पहले हम इधर जाते थे, अब कहाँ आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, इधर आज तक देखते हैं पूरी उम्र से हमारे दादे परदादे सब इधर ही जा रहे हैं, ठीक है, तो आज भी हमारी क्या नहीं हो रही, ठीक है, आज भी हम वही लाइफ जी रहे हैं, कंप्रोमाइज वाली लाइफ। पर अगर हम 2 साल के लिए किसके साथ जुड़ जाएं, एमबी के साथ जुड़ जाएं और देख लें कि क्या यहाँ 70% पैसा आता है कि नहीं आता है, ठीक है, आता है तो इसलिए आज हम आपके सामने ये प्लान कर रहे हैं, अगर नहीं आता होता तो शायद नहीं, ठीक है। तो
एक छोटा सा काम करने से अगर आपको वो रिवार्ड मिल जाए जिससे पैसे की फ्रीडम हो, टाइम की फ्रीडम हो, और बच्चों की मतलब की एक टेंशन खत्म हो जाएगी कि इनको जॉब करनी है या बिजनेस करना है, वो उनकी मर्जी है, जो वो करना चाहे कर सकते हैं, पर पैसे के लिए हम मतलब कि वो जो चीज है पैसे के लिए जो उनके अंदर वो एक टेंशन बना हुआ है कि पता नहीं क्या होगा हमारे बच्चों का, वो हम इतना छोटा सा काम करके क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, खाली एक दुकान बदल के, खाली एक ब्रांड बदल के, अगर साबुन पेस्ट बदल के अगर हमारी जिंदगी, हमारे घर में लाखों रुपए आ सकते हो तो बदल लेना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? ठीक है, पहले हम क्या करते थे, कोई और ब्रांड का, मार्केट के ब्रांड का पेस्ट करते थे, उसको छोड़ा हमने क्या किया, एमवे का किया, ठीक है, और पहले किसी और साबुन से नहाते थे, अभी किसके साथ नहाते हैं, ठीक है, एमवे का साबुन से नहाते हैं, और सभी ने यही किया। अगर मैं अपनी अपलाइन की बात करूं विजय भैया की, तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी अपने घर के प्रोडक्ट चेंज किए, ठीक है, प्रोडक्ट चेंज किया, और वो प्रोडक्ट जो इन्होंने चेंज किए उन प्रोडक्ट्स को क्या किया, लोगों को बताया। जब लोगों को बताया, बहुत सारे लोगों को बताया, कुछ ने बात मानी, कुछ ने नहीं मानी, ठीक है, जो मान गए, ठीक है, वो इनके साथ जुड़ के, और ऐसे करते 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 क्या बन गया, एक नेटवर्क बन गया, ठीक है, एक नेटवर्क बन गया। ये जो नेटवर्क है, और जब भी अगर किसी इंसान ने अगर अमीर होना है, ठीक है, अमीर होना है, तो उसका जो अमीर होने के लिए उसको क्या बनाना पड़ेगा, एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, ठीक है। पंकज, ये मार्कर ठीक दिख रहा है इसमें रेड? बिल्कुल सर, ठीक दिख रहा है। रेड से करूं मैं? जी जी, कर लीजिए। तो चलिए, ये है, एक नेटवर्क आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अमीर होने के लिए एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, वो कैसे नेटवर्क बनाना पड़ेगा, उसके लिए एक सिस्टम है, वो उसके साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, उसी सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कहने का मेरा ये मतलब है कि कई लोग कहते हैं कि एमबीए बिजनेस बहुत मुश्किल है। यार क्या मुश्किल है आप मुझे बताओ, एक वे बदलना है, एक रास्ता बदलना है। पहले हम मार्केट से प्रोडक्ट लेते थे, अब हम एमबीए से अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें क्या हो सकता है, हमें एक बहुत बढ़िया इनकम एक बना सकते हैं। और आज के टाइम के अगर हम देखें तो ट्रेंड बदलने वाले, ठीक है, दुनिया चेंज हो रही है, अब एजुकेशन से क्या सिस्टम बदल चुका हुआ है, बिजनेस के सिस्टम बदल चुके हैं, ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, नेट के थ्रू बिजनेस हो रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर और 5 साल के अंदर आप देखना, बहुत सारी चीजें ऐसी बदलाव में आ जाएंगी और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। जो समय के साथ अपने आप को बदल लेंगे तो वो उनका क्या होगा, उनका इनकम सोर्स भी बदल जाएगा, और नहीं तो हम क्या करेंगे, फिर बाद में पछताएंगे, यार अभी पहले पहले तो उन्होंने कर लिया, अब नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, आप जब भी शुरू करोगे इस बिजनेस में आप क्या हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ से हमने क्या किया, सामान तो हम पहले मार्केट से लाकर एमबीए से लेते हैं, और क्या खाली सामान लेने से क्या हमारी इनकम बढ़ेगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो भी पैसा कमाएंगे 70% जो पैसा मार्केट में जाएगा, अगर हम बदलेंगे नहीं, अगर बदल लेंगे तो वो 70% पैसा हमारे घर में आएगा। डिसीजन हमारा है, डिसीजन आपका है कि आपको 70% पैसा मार्केट के अंदर डालना है या अपने घर में लाना है, ठीक है। तो ये पैसा जो कमाना है वो कैसे कमाना है, अगर हम उसके ऊपर बात करें तो तीन पावर जो है वो आपको क्या करेंगी, इस पैसे को कमाने में हेल्प करेंगी। कौन सा पैसा, जो मार्केट में जा रहा है, वही पैसा जो रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर जो जा डिस्ट्रीब्यूटर का जा रहा था, वही पैसा हमें वापस आ सकता है। पर आएगा कैसे, तीन पावर आपको हेल्प करेगी। पहली पावर कौन है, पहली पावर है एमबीए। एमबीए का काम है आपके बिजनेस का हिसाब किताब रखना, यहां पे आप हो और यहां पे क्या एक सिस्टम है जिसका नाम है ब्रिट वर्ल्ड वाइड, और यहाँ एक सिस्टम, एक स्पॉन्सर होता है जो एमबीए के साथ जुड़ा होता है और ब्रिट वर्ल्ड वाइड के साथ जुड़ा होता है, इसका स्पॉन्सर, इसका स्पॉन्सर, ऐसे सभी क्या होते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कामयाब टीम होती है, ठीक है। ये कामयाब टीम क्या करती है, आपको हेल्प करती है। अब इन तीनों पावर का अगर हम देखें क्या क्या रोल है हमारी सक्सेस के अंदर, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, ठीक है। तो एमबीए का रोल क्या है,
एमबी का रोल है जितने भी टेंशन वाले काम है, चाहे गवर्नमेंट के साथ डील करना, कोई नया प्रोडक्ट बनाना, उसके बाद रिसर्च करना, उसको गुड क्वालिटी बनाना, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी बनाना, वो सारे का सारा काम किसका है? एमबे का। फिर हमारे बिजनेस का हिसाब किताब रखना, वो किसका काम है? एमबे का। हमारे नेटवर्क को कैसे मतलब कि इन्होंने मतलब मेंटेन करके रखना है, कैसे उसमें कमीशन बांट रहा है, वो सारे का सारा काम किसका है? एमबे का। फिर ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन का क्या काम है? इसका काम है आपको एजुकेट करना, ठीक है। ये एजुकेट कैसे करते हैं? ये कुछ बुक्स होती हैं पीएम में, कुछ टेप्स होती हैं, सीडीज वगैरह, ठीक है। पहले टेप्स आती थी, अब सीडीज बीसीडीज आती हैं, और क्या होती हैं, कुछ मीटिंग्स होती हैं, जैसे जूम के थ्रू मीटिंग चल रही है, और अप्लाई, ठीक है। ये एक ऐसा सिस्टम है, अगर इस सिस्टम के साथ हम जुड़ेंगे तो हमारा जो पहला नंबर है कि हमारी जो सोच होती है, सबसे बड़ी बात है कि हम बड़ा सोच नहीं सकते, पर जब हम इस बिजनेस के साथ जुड़ेंगे तो हम इस बिजनेस के बारे में बड़ा सोच सकते हैं। इसकी एसोसिएशन में रहेंगे, सोच बड़ी, जब सोच बड़ी होगी तो तभी हम जिद्दी में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये सोच बड़ी करने के लिए एक एजुकेशन सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं ब्रिट वर्ल्ड वाइड, ठीक। उसके बाद आ गया आपका जो आदमी आपको इस बिजनेस के बिजनेस में जोड़ता है, उसको हम स्पॉन्सर बोलते हैं या अपलाइन जोड़ते हैं। अब जो नेटवर्क आपने बनाना है, उसको बनाने के लिए जो स्पॉन्सर और जो टीम है जी आपको हेल्प करती है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपके साथ कुछ लोग जोड़ने में, कुछ प्लान दिखाने में कौन काम करता है? ये अपलाइन करती है, ठीक है, स्पॉन्सर आपका करता है। तो ऐसे ही अगर हम ये तीन पावर्स हैं, जब ये तीन पावर्स आपको आपके साथ काम करेंगी तो क्या फायदा होगा इन तीन पावर्स का आपको? आप अगर इस टीम के साथ जुड़ेंगे और दो तीन घंटे क्या करेंगे इसके साथ मिलके काम करेंगे, तो आप 6 महीने और 12 महीने के अंदर एक इनकम बना सकते हैं 40,000 रुपया महीने, जिसको हम बोलते हैं ब्रॉन्ज, ठीक है। 15% लेवल होता है, बहुत अच्छा लेवल होता है, और इस लेवल के ऊपर आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है नेशनल लेवल पे, और ट्रिप मिलता है आपको 5 स्टार के, ठीक है। तो सोचिए अगर 2-3 घंटे लगा के इस टीम के साथ, इस सिस्टम के साथ मिलके, तो अगर आपको पार्ट टाइम अगर 40,000 रुपये आ सकते हैं, तो सोचिए हमारे घर का कुछ थोड़ा बहुत तो क्या, थोड़ी बहुत खुशियां तो आएंगी, थोड़ा बहुत जो कम्प्रोमाइज वाली लाइफ है थोड़े बहुत तो टूटेंगे, ठीक है। इसी काम को, इसी टीम के साथ मिलके, इसी सिस्टम को इन्वॉल्व करके आप अगर 2-3 घंटे क्या करेंगे, रोज काम करेंगे, और एक से लेके 2 साल जब आप इस बिजनेस में काम करेंगे, आपको एक लेवल मिलेगा प्लेटिनम, जिसकी इनकम होगी 70-80 हजार से लेके 1,00,000 रुपया महीने की, ठीक है। इसी काम को अगर क्या करेंगे, 2-3 घंटा रोज करेंगे और 2-3 साल करेंगे, और एक और लेवल मिलेगा एमरल्ड, जिसकी इनकम लगभग 2-3 लाख रुपए महीने की हो सकती है। फिर इसी के साथ अगर 2-3 घंटे काम करेंगे 2-5 साल, और एक लेवल मिलेगा डायमंड, जिसकी इनकम होती है 5-6 लाख रुपया, 5-6 लाख रुपया। सोचिए अगर कोई काम ऐसा हमें मिला है जो 4-5 साल काम करके आपको 5 लाख रुपए महीने की इनकम, मैं कहता हूँ 10 लाख भी, 10 साल भी लग जाए, अगर जैसे जो हमारी एजुकेशन है, जिस तरीके से हमारा माहौल है हमारे घर का, जिस क्लास से हम, मिडिल क्लास से हम क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, अगर हमें एक मौका मिल रहा है कि हाँ भाई आप भी क्या कर सकते हैं, ठीक है, 5-6 लाख रुपए महीने का बना सकते हैं इस बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा जब हम इन तीनों चीजों को क्या करेंगे, तीनों चीजों का फायदा लेंगे, चौथा हम है इसके अंदर, चौथी पावर हमने बनना है। तीन पावर तो है, और चौथी पावर किसने बनना है? हमने बनना है। और इतना समय अगर हम लगाते जाएंगे तो इस बिजनेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये जितनी इनकम मैंने इधर बताई ये हम कमा सकते हैं। आप सोच के देखो, अगर हम इस बिजनेस में डायमंड चले जाते हैं 5-10 लाख रुपए महीने की अगर इनकम हो, तो सोचिए कितनी बढ़िया लाइफ हो सकती है, ठीक है। बहुत आसम आज हम देखते हैं अपनी ग्रेट अपलाइन विजय जी को, अभी वो एमरल्ड हैं, एक बहुत ही अच्छी इनकम बढ़ाते हैं इस बिजनेस के अंदर, एमरल्ड लेवल मैंने दिखाया, लगभग 3 लाख की इनकम तो है ही है, ठीक है। कमाने वाले तो 5 लाख रुपए एमरल्ड लेवल पे कमाते हैं, ठीक है। तो आज उनका इतना बढ़िया लाइफस्टाइल, उनका लाइफस्टाइल देख के हम क्या होते हैं, इंस्पायर होते हैं, यार अगर इनको मिल सकता हमें क्यों मिल सकता, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने एक अपने घर का व्यू डाला था जिसके अंदर बहुत 3-4 गाड़ियां उनके घर के अंदर खड़ी थी, ठीक है। तो इस तरह का लाइफस्टाइल किसको नहीं चाहिए, नो डाउट, हो सकता
उनसे भी लोगों के पास ज्यादा पैसे होंगे, पर जो लाइफ उनके पास है, कौन सी लाइफ, ठीक है, सुबह उठने की कोई टेंशन नहीं है कि हाँ पर मुझे ऑफिस जाना या क्लिनिक खोलना या कुछ ऐसा करना है, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं कि मुझे किसी के साथ पैसे लेने हैं या देने हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ क्या करते हैं कि खाली अपनी टीम को क्या करते हैं, होप देते हैं कि हमने कर लिया आप भी कर लो, आपका भी जीवन ऐसा हो सकता है, और उसी होप के साथ हम लोग सभी लोग क्या कर रहे हैं, इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर एक आदमी ने अगर कोई काम किया हो तो दूसरा भी क्या कर सकता है, उस काम को कर सकता है, एक आदमी अगर डॉक्टर बन सकता है दूसरा बन सकता है, एक आदमी इंजीनियर बन सकता है दूसरा भी बन सकता है, और एक आदमी अगर इस बिजनेस के अंदर डायमंड बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं। तो इसके साथ ही क्या, कैसे ये पैसे आपको आ जाएंगे, बहुत सिंपल सा काम है, करना क्या है उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे ये इजी हो जाएगा बिजनेस, इतनी आसानी से पता भी नहीं चलेगा आपको कि ये बिजनेस कैसे हो गया, वो ऐसे कि अगर आप अपने घर में एमबे के प्रोडक्ट यूज करते रहे और इधर एक सिस्टम है ब्रिट वर्ल्ड वाइड, इसके साथ जुड़े रहे, यहाँ से एजुकेशन लेते रहे, और इस टीम के साथ जो आपका स्पॉन्सर है या आपकी जो अपलाइन है जो सक्सेसफुल है, अगर आप इन तीनों के साथ जुड़े रहोगे तो डेफिनेटली ये पैसे आपको बनेंगे। कैसे बनेंगे, जब आप एमबे का प्रोडक्ट अपने घर में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आज एमबे के प्रोडक्ट की अगर बात करें, लोग फोन करके प्रोडक्ट मांगते हैं, फोन करके। आज मैं बताऊं कि मैं एक किसी फ्रेंड ने मेरे को ना, किसी फ्रेंड को अपने फ्रेंड के साथ मिलाया था, काफी दो तीन साल की पहले की बात है, तो मैंने उसको एक मल्टीविटामिन दिया था, और आज उस बंदे ने फिर से मेरे को कॉल किया कि यार वो आपकी एक मल्टीविटामिन मैंने आपसे ली थी, तो उस टाइम मैंने एक ही डब्बी खाई थी, बाद में छोड़ दी, तो क्या मुझे और मिल सकती है? तो मैंने कहा डेफिनेटली क्यों नहीं मिलेगी। तो मैं गया, मैंने एमबे ऑफिस से क्या किया, ठीक है, वहां से ली और उनको जाके दे के आया और उनको कस्टमर बना लिया, ठीक है। तो ये क्या है कि जब आप इसके साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है, तो एक क्या बनाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे उन लोगों की जिन लोगों को आप जानते हो, जब प्रोडक्ट यूज करोगे आपको प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे, और क्या करना है फिर उसी प्रोडक्ट को हमने क्या करना है, अपने नियर एंड डियर को क्या करना है उसके बारे में अवेयर करना है, ठीक है, बेचना नहीं अवेयर करना है। अगर आप बेचने जाओगे तो फिर हम सेल्समैन बन जाएंगे, तो जब बेचने जाओगे तो बिकेगा नहीं, ठीक है, जब शेयर करोगे तो बिक भी जाएगा, ठीक है। जैसे किसी को अगर मैं कहना, अभी थोड़े दिन की बात है, मेरे एक फ्रेंड है वो दुकान चलाते हैं ग्रोसरी की, तो मैं जब उनसे कुछ ले रहा था तो उनके मसूड़ों से ना वो आ रहा था, ऐसे ब्लड सा आ रहा था, ठीक है, तो मैंने उसको बोला यार ये आपको क्या हो गया, कहता यार ये मेरे ठीक नहीं हो रहे, तो मैंने कहा मेरे पास जो पेस्ट आती है अगर आप यूज करोगे तो आपको इसका क्या होगा, फायदा होगा, मैं करके देख लो, नहीं अगर फायदा होगा तो मेरे को आपने क्या कर देना, जो पैसे आप दोगे मैं आपको वापस दूंगा, आप यूज किया हुआ प्रोडक्ट मेरे को वापस दे दो, ठीक है। तो अभी उसने ले लिया, आज ही लिया उसने, तो आप देखते हैं एक दो दिन क्या, क्योंकि हमारे पेस्ट के अंदर क्या जो रेमिनेंट तत्व डाला हुआ है वो हमारे पायरिया जैसी भी प्रॉब्लम को क्या कर देता है, ठीक कर देता है, ठीक है, इसलिए वो क्या है, पेटेंट है, कोई और कंपनी डाल नहीं सकती अपने पेस्ट के अंदर। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ प्रोडक्ट, शेयर करेंगे तो हमें क्या होगा, वहां से लोग हमारे प्रोडक्ट ले लेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे लोगों की, ठीक है, मान के चले 100 लोगों की लिस्ट बनाई हमने, और जब हमने इनसे बात करने की कोशिश की कि हाँ भाई हमने एक काम शुरू किया हुआ है, ठीक है, हेल्थ एंड वेल्थ का, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ना करेंगे, कोई हाँ करेंगे, मान के चलते 80 लोगों ने हाँ कर दी, 10 लोगों ने क्या बोला, यार हमें प्रोडक्ट दे दो, और 10 लोग कहते हैं कि हाँ भाई यार हम ये बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमने कुछ लोगों को क्या कर दिया, अपने साथ एसोसिएट कर लिया, ठीक है। जो लोग हमने इनको ये बात समझाई, भाई 70% पैसा आपका मार्केट के अंदर जा रहा है, अगर आप यहाँ जुड़ जाते हो तो 70% आपके घर में आ सकता है, तो इनको बोला कि इधर जाना बंद करो और कहाँ जाओ एमबे के अंदर। अब हमने उधर एग्जांपल ली थी कि 10,000 रुपए के एवरेज फैमिली का खर्चा है, अगर ये 10,000 रुपए मान के चले आप यहाँ पे एक हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैमिलियां और हमारे साथ जुड़ गई, एक आप हो गए, 7 फैमिलियां अगर क्या करती हैं 10,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदती हैं, लगभग 10,000 रुपए का बिजनेस करती हैं तो सेल हो जाती है 70,000 रुपए की। जब 70,000 रुपए की सेल होगी तो आपके घर में लगभग 4,000 से लेके 5,000 रुपए की एक इनकम बन सकती है। इधर लोग इतनी पढ़ाई कर करके भी क्या हो रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जिनको 4-5,000 रुपए क्या मिल रहा है, उसमें पे मिल रही है, और फिर उधर उधर ये बताते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, ठीक है। जैसे मेरे एक
फ्रेंड है, उनकी वाइफ को हमने इस बिजनेस में जब ज्वाइन करवाया तो हम बोलते थे कि आओ मीटिंग में आओ, जहाँ प्रोवाइड लो, तो वो हमें क्या बोलती थी, मैं बिजी बड़ी हूँ, मैं स्कूल जब जाती हूँ स्कूल का काम ही बड़ा होता है, ठीक है, मतलब कि इतनी एजुकेशन होने के बावजूद वहाँ 5,000 रुपये पे जॉब कर रहे हैं, पर इधर हम बोल रहे हैं कि आपको 1,00,000 रुपया साल का बन सकते हैं, तो यहाँ पे क्या वो इंटरेस्टेड नहीं है? तो पर ऐसे ही अगर क्या करेंगे, अगर ये 6 फैमिली अगर 4-4 फैमिलियों को ही अवेयर कर दें, 6 चौके कितने हो गए, 24 लोग पहले और 7 आप कितने हो गए, 31 फैमिलियां 10,000 रुपये का बिजनेस करती हैं, और ये 10,000 रुपये का बिजनेस करना सीखना है, एक ही दिन में नहीं हो जाएगा, जहां हम ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई आप फटाफट 10,000 रुपया निकालो और क्या कर लो, बिजनेस करना शुरू करो, ठीक है, और एक ही मतलब कि 10,000 रुपये का वो करने के लिए आप आसान से सीख सकते हैं, पहले आप 2,000 रुपये का बिजनेस कर सकते हैं, 3 का कर सकते हैं, 4 का, ये हमने सीखना है, इसीलिए हमने उधर लिखा कि आप 6 से 12 महीने लगे, उसमें हम साथ साथ में सीखते जाते हैं और साथ साथ में क्या होता है हमारा बिजनेस होता जाता है। इसी तरह अगर क्या होता है, अगर 31 फैमिलियों ने 10,000 रुपये का बिजनेस किया, 3,10,000 रुपये का बिजनेस हो, जब 3,10,000 रुपये का बिजनेस हो गया तो आपका जो लेवल है वो बनता है 12%, ठीक है, जब 12% पे आप होंगे तो 3,00,000 का 12% आप लगा लो, लगभग आपको 15,000 रुपये की इनकम बन सकती है, कमीशन तो आपका लगभग कोई 30,000 के लगभग बनेगा, पर आपकी जो इनकम होगी लगभग 15,000, बाकी वाला जो होगा वो इन 3 को बन जाएगा। ऐसे अगर क्या हो गया, यही 24 लोगों ने अगर 3-3 लोगों को किया अवेयर किया, ठीक है, 72 और 31 पहले कितने हो गए, 103 फैमिली अगर 10,000 रुपये का बिजनेस करती हैं तो सेल हो जाएगी आपकी 10,30,000, 10,30,000 रुपये की क्या हो जाएगी आपकी सेल हो जाएगी, जब 10,30,000 रुपये की सेल हो जाएगी तो यहाँ पे आपको जब 10,00,000 की सेल, 10,00,000 से ऊपर जब सेल होती है तो आपको कंपनी क्या बोलती है, पहले महीने आप क्या हो जाते हैं उसमें सिल्वर। तो अभी आप देखेंगे बहुत सारे सिल्वर इस मीटिंग के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिनकी सेल क्या होती है 10,00,000 रुपए की होती है, और सिल्वर में आपको क्या मिलता है फिर, ठीक है, आपको एक ट्रिप मिलता है 5-स्टार होटल का, वहां पे आपको एक दिन रखा जाता है, एक नाइट रखा जाता है, 2 दिन वहां पे आपको क्या किया जाता है, इंजॉय कराया जाता है, और आपको क्या कंपनी के विजन के बारे में बताया जाता है कि आपकी कैसी लाइफ हो सकती है, इसको अगर मेंटेन करेंगे 3 मंथ तो आप क्या हो जाएंगे, गोल्ड प्रोड्यूसर, ठीक है, बहुत सारे गोल्ड प्रोड्यूसर्स मीटिंग के साथ जुड़े हुए, अभी आप उनको आप सुनोगे, ठीक है, फिर इसी चीज को अगर 6 महीने क्या करेंगे, 10,00,000 को रिपीट करेंगे तो आप क्या हो जाते हैं, प्लैटिनम, ठीक है, बहुत सारे प्लैटिनम भी इस मीटिंग के साथ जुड़े होंगे। अगर इसी को 12 महीने किया जाए, ठीक है, तो आपकी जो फाउंडर प्लैटिनम हो जाएगा, आप क्या हो जाएंगे इसमें, फाउंडर प्लैटिनम, और फाउंडर प्लैटिनम 12 महीने आप करेंगे तो फाउंडर प्लैटिनम हो जाएंगे। अगर ऐसे ही क्या किया जाए, मान के चले आप यहाँ पे प्लैटिनम होगी, ठीक है, आपने एक, आपकी वजह से एक टीम क्या होगी, आपकी टीम एक प्लैटिनम होगी, जब एक टीम आपकी प्लैटिनम हो जाएगी तो इसका आपको आएगा 6%, और 10,00,000 का 6% लगभग क्या होता है 60,000 रुपया, और 60,000 रुपया एक आदमी को क्या करने का, सिखाने का, उसको प्लैटिनम पहुंचाने का। आप सोचो हम इस बिजनेस में प्लैटिनम है और बहुत सारे विजय सर की टीम में बहुत सारे प्लैटिनम है, तो हम जो प्लैटिनम यहाँ पे प्लैटिनम, हमारी जो इनकम है, हमारी जो सेल है, उस सेल का 6% इनको जाएगा। अगर 10,00,000 की सेल हुई तो 60,000 रुपया, अगर 20,00,000 की हुई तो 80,000 रुपया। आज सोच के देखो यार, एक आदमी को ढूंढा, एक टीम बिल्ड की, और आपकी क्या हो सकती है, इनकम दिन ब दिन बढ़ सकती है। इसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम, पेंशन इनकम बोलो, मैं तो बोलता हूँ कि एक आदमी को प्लैटिनम बनाओ तो एक पेंशन क्रिएट कर लो, और दूसरा प्लैटिनम बनाओ तो 2 पेंशन क्रिएट कर लो। आज जो लोग क्या है, गवर्नमेंट की जॉब जब क्यों ढूंढते हैं लोग, पेंशन के लिए, ठीक है ना, तो वहां पेंशन क्या मिलती है, वहां 100 से क्या आता है, बंदा 40 पे आ जाता है, पर यहाँ पे जो आप पेंशन क्रिएट करोगे दे, ये उसी तरीके से बढ़ती जाएगी। जैसे अगर इस महीने आपको क्या होगी 60,000 होगी, जहाँ इस साल 60,000 होगा, अगले साल क्या हो सकती है वो 1,20,000 हो सकती है। तो यहाँ पे जो
पेंशन आपको दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। वहां पे पेंशन क्या होती है, कम होती है। ऐसे अगर आपने तीन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लिए, तीन टीमें बिल्ड कर ली, और आप क्या हो जाते हैं, तीन प्लेटफॉर्म जब बन जाते हैं आप हो जाते हैं उस बिजनेस में एमरल्ड। तो हम बहुत लकी है कि हमारी जो ग्रेट अपलाइन है वो फाउंडर प्लेटफॉर्म इस बिजनेस के, ठीक है। तो हमें बहुत खुशी होती है जब हम उनको सुनते हैं या जो भी उनका हम लाइफस्टाइल देखते हैं, तो बहुत इंस्पायर होते हैं उनसे कि हाँ यार अगर इन्होंने कर लिया तो हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे ही दोस्त हैं, हमारे साथ ही इन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया था, ठीक है। हमने मस्ती मारी पर उन्होंने क्या कर दिया, ये कर दिखाया। जब वो फॉरन घूमने लगे तो हमें भी लगा नहीं हमें सीरियस होकर इस बिजनेस को करना चाहिए। तो आज बहुत बढ़िया लाइफ कहना जी रहे हैं। और इसके साथ ही अगर क्या किया जाए, छह टीमें हमारी क्या हो जाती हैं, अगर प्लेटफॉर्म हो जाती हैं, ये छह टीमें प्लेटफॉर्म होंगी तो आप क्या हो जाएंगे इस बिजनेस के अंदर, डायमंड। और जब आप बिजनेस में डायमंड हो गए, इनकम होगी 5 से 6 लाख रुपया। और नेचर ऑफ इनकम क्या होगी, नेचर ऑफ इनकम होगी परमानेंट। जैसे मान के चले जब हम प्रेजेंटेशन के अंदर देखते हैं कि क्या है, कैसी इनकम बना सकते हैं हम इसमें, एसेट बेस इनकम बना सकते हैं, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि आपने क्या कर लिया, ये यहाँ पे आप हो, ठीक है, एक टीम प्लेटफॉर्म की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी, पांचवी और छठी, ठीक है। तीन प्लेटफॉर्म हुए थे एमरल्ड, छह प्लेटफॉर्म हुए थे डायमंड, ठीक। और एक प्लेटफॉर्म, अब जो एक बार इसको प्लेटफॉर्म बना दिया, अब ये 1 लाख रुपया यहाँ से जब कमाएगा, अब इसको दोबारा सिखाने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको पता है 1 लाख रुपया कैसे बनाया जाता है। ये अपनी टीम को सिखा सकता है 50,000-60,000 कैसे कमाने, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, अब जब ये इन्होंने सीख लिया, ठीक है, जब सीख लिया तो अब ये अपने लिए काम करेंगे, ना कि इनके लिए काम करेंगे। तो जब इसी तरह जब अब क्या होता है, जब हमने उधर पैकेज की बात की थी, क्या होगी, मनी की फ्रीडम होगी, ठीक है। अब यहाँ डायमंड बनने के बाद आपको क्या मिलता है, इधर 5-6 लाख रुपया। अब फिर क्या होगा, अगर 5-6 लाख आ रहा है, पर एफर्ट क्या है, एफर्ट कौन लगा रहा है, ये लोग, ठीक है। तो अब ये एफर्ट, इनकी एफर्ट की वजह से इनकम आ रही है। जब दूसरों की एफर्ट की वजह से इनकम आएगी तो आपकी इनकम क्या हो जाएगी, सिक्योर हो जाएगी। अगर आपकी एफर्ट से क्या ना इनकम आ रही है, इसका मतलब वो सिक्योरिटी, सिक्योर इनकम नहीं है। तो अब ये इन सब के क्या है, डिपेंड है। और क्या होगी, टाइम की फ्रीडम होगी, फिर वही आ गया आपका रिकग्निशन, वर्ल्ड टूर, ये सारे का सारा पैकेज आपको क्या मिलेगा इस बिजनेस के अंदर जब आप डायमंड होते हैं। वैसे तो फाउंडर प्लेटफॉर्म से शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो सबसे अगर बढ़िया अगर हम लेवल इस बिजनेस के अंदर मान हैं, वो है डायमंड। और डायमंड आप क्या कर सकते हैं इस बिजनेस के अंदर, बन सकते हैं। छह टीमें आपको क्या करनी पड़ेगी इस बिजनेस के अंदर बिल्ड करनी पड़ेगी। तो बहुत बढ़िया, अगर मैं और बात बोलूं कि जब हम इस बिजनेस के अंदर जब आए तो बहुत सारी चीजें मतलब कि हमें पता नहीं थी, पर इस बिजनेस के आके हमने सीखी। पहला नंबर है कि हमने अपना एक कपड़ों का जो क्या है स्टाइल चेंज किया इस बिजनेस के अंदर, ठीक है। हमारा जो ड्रेसअप था वो कुछ और तरीके का था, जब बिजनेस के अंदर आए तो हमारा ड्रेसअप कुछ और हो गया, ठीक है। हम किसी से बात नहीं करते थे, बड़े बदतमीज तरीके से बात करते थे, लेकिन जब इस बिजनेस में आए तो हमने क्या किया, बात करने का ढंग भी चेंज किया, ठीक है। तो मतलब बड़ा कुछ चेंज किया हमने इस बिजनेस के अंदर आके। और आज हमें ये महसूस होता है कि जो चीजें हम पैसे से खरीद सकते थे वो तो हम ले ही रहे हैं, पर जो चीजें पैसे से नहीं ले सकते थे वो भी हमें इस बिजनेस के अंदर मिल रही है, ठीक है। वो ऐसी मॉरल वैल्यूज हमें इस बिजनेस के अंदर मिली जो आपको हम क्या बता, मतलब कि हम महसूस कर सकते हैं पर आपको बता नहीं सकते हैं। बहुत सारा चेंज हमारे क्या ना इस सिस्टम के थ्रू हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे हमारी लाइफ के अंदर आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं इस बिजनेस को, बहुत सिंपल सा काम है। अगर आप इस बिजनेस को पूरे पैशन के साथ कर लेंगे तो डेफिनेटली आप जिसने आपको इस बिजनेस के अंदर लाया, आप उसको थैंक यू बोलोगे, थैंक यू यार तूने मेरी जिंदगी बदल दी। तो जैसे हम बोल रहे हैं थैंक यू विजय जी, आपने हमारी जिंदगी को क्या कर दिया, बदल दिया। अगर आपने हमारे साथ वो टाइट रिलेशनशिप नहीं रखी होती इस बिजनेस में, तो शायद हम इस बिजनेस में होते भी ना, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, आप अपनी टीम के साथ एक क्या करें, एक टाइट रिलेशन रखें, ठीक है, उनके साथ एक प्यार बना के रखें, क्योंकि लोग प्यार के भूखे होते हैं, ठीक है, इसीलिए वो क्या हमारे साथ जुड़े रहते हैं। जिन लोगों के, जिन फैमिलियों के साथ हमारा प्यार बन जाता है, वो फैमिलियां इस बिजनेस में ग्रो कर जाती हैं। जहाँ पे हमारा प्यार, जिन फैमिलियों के साथ हमारा प्यार नहीं बनता, वो थोड़ा थोड़ा पीछे हटती जाती है,
तो इसलिए अगर इस बिजनेस में अगर आपने कामयाब होना है तो सारे अपनी टीम को, अपलाइन को, डाउनलाइन को, सबको क्या करो, चाहे आपके कस्टमर, सबको प्यार करो, सबकी इज्जत करो, ठीक है, तभी आप इस बिजनेस के अंदर क्या हो सकते हैं, ठीक है, एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि अगर एक 5 साल के अंदर एमवे बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, ठीक है। अब आप देख लो कि आप मतलब कि कितने तेजी के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहोगे। थोड़ा सा 2-3 साल आप क्या कर लोगे, डट के एक नेटवर्क बना लो। जब डट के आप एक नेटवर्क बना लो, एक बड़ा नेटवर्क बना लोगे और उसमें 50-60 लोग क्या हो जाएंगे, जब डुप्लीकेट हो जाएंगे इस बिजनेस के अंदर, आपको पता भी नहीं चलेगा आने वाले 10 साल के अंदर क्या हो सकता है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ बात करके। और मैं चाहूंगा कि एक मिनट के लिए पूजा आए और आपको थोड़ा मैसेज दे दें और फिर इस बैक टू हम चलेंगे अपने होस्ट के पास। तो हियर इज माय वाइफ, थैंक यू सो मच, और वर्मा जी के लिए क्लैपिंग बनती है। बहुत अच्छे तरीके से प्लान शो किया उन्होंने और एक एक चीज को पूरा एलैबोरेट करके बताया उन्होंने और बड़े सिंपल तरीके से बताया। मुझे लगता है कि सबको समझ आ गई होगी, जो नए लोग जुड़े हैं तो उनको भी अच्छे तरीके से मुझे लगता है कि समझ आ गई होगी, क्योंकि इतने सिंपल तरीके से उन्होंने बताया प्लान। और मैसेज की क्या बात करें, मैसेज तो यही है, सर ने सारा कुछ बोल ही दिया है कि चेंज है ना, चेंज करना है हमने, जितना चेंज हो सके उतना हमने अपने आप को चेंज करना है। सबसे पहले तो हमने अपने आप को चेंज करना है, अपने जो आदतें हैं, नेगेटिविटी है उसको खत्म करना है ना। तो नेगेटिविटी अगर हमारे अंदर रहेगी तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो जो भी छोटे छोटे काम हैं, जैसे हमारे बताते हैं प्लान में बताते हैं कि पहले सबसे पहले तो बुक्स पढ़नी है ना, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स पढ़नी है, क्योंकि बुक्स ही हमारा आईना है, वही बताती है हमें कि मतलब कि हमारे में क्या गलती है। नहीं तो कोई दूसरा बंदा बताए तो हमें बड़ा बुरा लगता है, लेकिन जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो वो हमारा आईना होता है, हमें पता चलता है कि नहीं, ये गलती मेरे में थी, मैंने इसको सुधारना है। दूसरा, मीटिंग के साथ जुड़ना है। पहले तो हमें बाहर जाना पड़ता था मीटिंग अटेंड करने के लिए, है ना, कहीं ऑडिटोरियम में जब हम प्लान करने जाना होता था हमें बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब जूम ऐप के थ्रू हम घर में ही अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं और बढ़ भी रहा है, बड़े अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। कहते हैं ना कि यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ है, सबके लोगों के बिजनेस डाउन हो गए हैं, लेकिन थैंक्स करते हैं जूम ऐप का भी, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस दिन ब दिन ग्रो कर रहा है। तो और सबसे पहले तो मुझे थैंक्स करना चाहिए था ग्रेट ग्रेट अपनी सबसे पहले ग्रेट अपलाइन विजय भैया और कैलाश दीदी का, जिनकी एसोसिएशन में हम सारे के सारे ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का आशीर्वाद है और वो इतना प्यार करते हैं अपनी टीम से, इतना प्यार करते हैं, हमें बच्चों की तरह वो पाल रहे हैं। और आज देखो मतलब उनकी नजर जो होती है सबके ऊपर होती है, अगर कोई न्यू ज्वाइनिंग भी है उसके ऊपर भी है, 3% है, 6% है, मतलब कोई भी लेवल उनके लिए ये नहीं है कि हाँ छोटा बड़ा है। तो वो हर एक इंसान को जो भी उनके चाहता है आगे बढ़ना, तो वो सबकी हेल्प करते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं, जहाँ भी मतलब हमारी टीम में इतनी हेल्प करते हैं, कहाँ मतलब जब भी हम बोलते हैं उनको कि हमने वहाँ मीटिंग करनी है या कुछ भी करना है, हमारी टीम के भी जो लोग हैं वो उनको कभी भी कॉल करें तो वो हर टाइम मतलब तैयार रहते हैं। ये उनके पास ये बहाना नहीं है कि नहीं मैंने कहीं और जाना है या कुछ है, बहुत ज्यादा हेल्प है, हेल्पफुल मतलब बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, इसलिए हमारी टीम ग्रो कर रही है। तो हम जितना थैंक्स उनका करें उतना कम है। तो उसके बाद छोटे छोटे काम, जैसे मैंने बोला है ना कि सिस्टम को फॉलो करना है, सिस्टम में बुक्स हैं, मीटिंग्स हैं, और जैसे शोधा प्लान करने हैं, जितने ज्यादा हम प्लान करेंगे उतना ही हम बढ़ेंगे आगे, क्योंकि जो इसका है, कहते हैं ना सारे, कई बार जो लोग आते हैं टीम में आते हैं तो कहते हैं सर कोई सीक्रेट दो, तो सीक्रेट क्या है इसका, है ना, यही है कि जितने ज्यादा हम प्लान करेंगे और गोल बनाएंगे, है ना, गोल बनाना है हमने कि यहाँ पर इस महीने हमने कहाँ जाना है, 6% जाना है तो हमें कितने प्लान करने होंगे, अगर हमें 9 पे जाना है तो हमें कितने प्लान करने होंगे, 12 पे जाना है तो हम कितने मतलब पीवी करेंगे, है ना, बिजनेस तो पीवी का ही है ना, पीवी जितने होंगे तो उतना ही हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो ये छोटे छोटे काम करके अगर हमारी लाइफ चेंज हो सकती हो, प्रोडक्ट, और सबसे बड़ी बात है कि 100% प्रोडक्ट यूज करने हैं, और अपने प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, बाहर के जो है घुसपैठिए उनको बाहर निकालना है। कई बार हम होता है ना कि किसी के घर में जाते हैं, वो कहता है कई बंदे 9% पे भी हैं, 12 पे भी हैं, लेकिन हम कई बार उनके बाथरूम में जाते हैं
तो बहुत सारी चीजें जो है हम देखते हैं कि वो अलग वो मार्केट की होती हैं, तो उनको चेंज करना है ना, अपने आप को चेंज करना है पूरा का पूरा। हमने जितने जो पॉसिबल है जहाँ जो है ना मिलते हैं प्रोडक्ट्स हमारे एमबे से, तो कोशिश करनी है कि वही हम यूज करें, क्योंकि हम खुद यूज करेंगे तो हम किसी को बताएंगे ना। तो अगर मैंने खुद ही यूज नहीं किया, मैंने पेस्ट खुद यूज नहीं किया, तो मैं किसी को क्या बता सकती हूँ कि इसमें क्या है। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको अपनी पेस्ट का नाम भी नहीं पता होता है ना। तो ये है कि नॉलेज लेनी है, जितनी ज्यादा हो सके उतनी प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी है, और तभी हमारा बिजनेस आगे ग्रो करेगा। तो ज्यादा ही बोल दिया मैंने, कुछ टाइम बहुत कम है, तो थैंक यू सो मच। अगर बस लास्ट में यही बात करना चाहूंगी कि हम अगर हम सिंपल कपल एक गांव से उतर अगर प्लैटिनम जा सकते हैं तो आप सारे जा सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू बैक टू द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, वंडरफुल प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया आज आपकी प्रेजेंटेशन को सुनकर, और बहुत कुछ हमने नया भी सीखा आज, सो थैंक यू सो मच। और मैम की तरफ से भी बहुत बढ़िया मैसेज आज हमें मिला, सो थैंक यू। अभी आगे बढ़ेंगे और इस पहले हम एक कॉर्पोरेट वीडियो देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। Embarked on this journey of setting up our manufacturing plant way back in 2011. And this was obviously an investment ahead of time. It took us 18 months to identify the location where we had to put up the state-of-the-art manufacturing plant. People from across the globe contributed to make sure that we got the right manufacturing competencies, capabilities, people and processes. Our products are backed by science, technology, research, and we want to make sure that we insource all the proprietary technology, especially for a nutrition and beauty segment. So, अभी आपने देखा कॉर्पोरेट वीडियो, इंडिया का कॉर्पोरेट वीडियो। सो आगे बढ़ते हैं, अभी चलते हैं रिकॉग्निशन पार्ट की ओर। कुछ लीडर्स को सेलिब्रेट रिकॉग्नाइज करेंगे यहाँ से। तो कुछ लेवल्स होते हैं इस बिजनेस में, जैसे सर ने बताया 3% से लेकर 21% तक। तो हमारे बीच में बहुत सारे 3%, 6%, 9%, 12%, 15% और 18% चेबर्स हैं। मैं चाहता हूँ एक बार हम जोरदार क्लैपिंग करें उनके लिए। उसके बाद बहुत बढ़िया लेवल होता है 21% लेवल। जिस मंथ हमारी टोटल टर्नओवर 10 लाख की हो जाती है, तो हमें सिल्वर प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। तो हमारे बीच में सिल्वर प्रोड्यूसर्स हैं।
चाहता हूँ कि अपना लीडर्स अपना नाम रिनेम कर लें ताकि मैं इजीली ढूंढ पाऊँ उनको। तो हमारे बीच में कुछ सिल्वर प्रोड्यूसर्स हैं, सबसे पहले मैं कॉल करूंगा नरेश कुंडल एंड सुनीता कुंडल जी को, अनम्यूट करके अपना नाम और प्रोफेशन हमारे साथ शेयर करें। गुड मॉर्निंग जी सर। हेलो सर, आवाज आ रही है? आप कंटिन्यू कर सकते। आ रही आ रही। गुड इवनिंग एवरीवन, नाम नरेश और बाई प्रोफेशन में सेल्फ एम्प्लॉई हूं, और उसके साथ साथ इस अपॉर्चुनिटी को जो हम कर रहे हैं बहुत बढ़िया जबरदस्त, और आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत जबरदस्त लीडर है हमारे, तो थैंक यू। बैक टू द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। सो हमारे बीच में एक और सिल्वर प्रोड्यूसर्स हैं, लता शर्मा जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, मायसेल्फ लता शर्मा, आई एम द बिजनेस ओनर। और आज जो प्लान करने वाले थे वो हमारे मेंटर ने बहुत बढ़िया प्लान किया, और हम इनकी एसोसिएशन में सीख रहे हैं, तो थैंक गॉड हमें इतने अच्छे मेंटर्स मिले हैं, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। नेक्स्ट सिल्वर प्रोड्यूसर्स हैं हमारे बीच में बाबूराम एंड ज्योति वर्मा जी। नमस्कार, मैं सर बाबूराम गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, पार्ट टाइम हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर सिपिंग को बिल्ड कर रहे हैं। दोस्तों बहुत बढ़िया सेशन था आज का, जैसे आज स्पीकर ने बताया छोटे छोटे काम करके हमने आगे बढ़ना है, अपने अपलाइन का साथ लेना है, अपलाइन के साथ प्लग रहेंगे, उनके साथ टाइट रिलेशन रहेंगे, तो हम बहुत दूर तक बिजनेस ले रहे हैं। नो माई वाइफ। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ ज्योति वर्मा, हाउस वाइफ, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर एमबे बिजनेस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज के स्पीकर के लिए जोरदार क्लैपिंग, क्योंकि इनसे हम बहुत पहले का इनसे जो भी हम सीखते हैं, इनसे बहुत ही जब जो भी वर्ड बोलते हैं इनसे हमें इंस्पायरेशन मिलती है, और आगे भी पहले भी हम इनसे सीखते आए हैं और आगे भी सीखते रहेंगे। थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। सो नेक्स्ट सिल्वर प्रोड्यूसर हमारे बीच में है मिस्टर मगर एंड वीना जी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मगर सिंह है और मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूँ। दोस्तों आज का प्लान बहुत ही जबरदस्त था, सिंपल तरीके से उन्होंने हर पहलू पे उन्होंने नजर डाली और सही तरीके से उन्होंने समझाया। दोस्तों बिजनेस तो बहुत ही सिंपल है, इसको हमें बिल्कुल अपलाइन से सीखने और बिल्ट वर्ल्ड वाइड से प्लग रहना है। दोस्तों बिल्कुल ही सिंपल तरीके से अगर हम चलते जाते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से हम ये अपनी अपॉर्चुनिटी को प्राप्त कर सकते हैं। जो डायमंड तक, सिल्वर, ब्रॉन्ज हैं या क्रोन तक जो जा चुके हैं, उन्होंने भी इसी इसी प्लान को सुना है और सोचने की अपनी तरीका है। अगर हम उसको उस पर अमल करते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम बहुत जल्दी अपने अचीव कर लेते हैं। अगर नहीं सुनते तो हम मतलब बाहर हो जाते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सो नेक्स्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है हमारे साथ मिसेस मर्यादा एंड परशोत्तम जी। नमस्कार, मेरा नाम मर्यादा है और अपने हस्बैंड के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और टीम के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और अपने ड्रीम के लिए इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये कुछ सिल्वर प्रोड्यूसर्स हमारे साथ आगे बढ़ेंगे, इसके बाद और बढ़िया लेवल होता है गोल्ड प्रोड्यूसर्स, तो हमारे बीच में गोल्ड प्रोड्यूसर्स भी हैं। तो सबसे पहले कॉल करूंगा मिसेज राज एंड अशोक समयाल, और इनके बाद मिसेज मनीषा एंड योगराज मल्होत्रा जी रेडी रहें। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ राज, गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, पार्ट टाइम में फैमिली में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और ड्रीम है हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना, डायमंड जाना। हम हीरानगर के रहने वाले हैं। अशोक, गुड इवनिंग टू ऑल, माई सेल्फ अशोक बिजनेसमैन, और हम हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और हमारा ड्रीम है प्लैटिनम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट गोल्ड प्रोड्यूसर्स हमारे साथ हैं मिसेस मनीषा एंड योगराज मल्होत्रा, इनके बाद मिस्टर राज सिंह एंड शारदा जी, प्लीज रेडी रहें। सबको नमस्कार, नाम जोगराम मल्होत्रा, प्रोफेशन में मेडिकल शॉप करता हूं, इसके साथ-साथ पार्ट टाइम इस बिजनेस को बड़े अच्छे तरीके से बिल्ड कर रहे हैं,
तो बाकी आज के प्लान की बात करें, सर ने तो जबरदस्त जबरदस्त प्लान किया है, जहाँ इमराय सर जी हमारी अपलाइन है, इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। आज अगर हम जहाँ पर पहुंचे हैं तो सब इनको हमने बहुत तंग किया है, बहुत तंग किया है, तो इन्हीं से हमें सीख सीख के हम जहाँ तक पहुंचे हैं। तो बाकी आगे मेरी वाइफ अपना इंट्रोडक्शन देंगे। और पूजा मैम है सर का, तो जो हमारे हमसे सीख रही है, अभी सीख रही है, तो जहाँ तक पहुंचे हैं। थैंक यू, बैक टू द होस्ट। थैंक यू बंगा जी। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। नेक्स्ट गोल प्रोड्यूसर्स हमारे साथ हैं मिस्टर राज सिंह एंड शारदा जी। नमस्कार, मैं शारदा कुमारी आई एम होस्ट। को नमस्कार, मैं सर राज सिंह, बाई प्रोफेशनल फुल टाइम एज ए बिजनेस करियर बिल्ड कर रहे हैं। और जबरदस्त प्लान आज हेमराज वर्मा जी के लिए और पूजा जी के लिए आज इतना जबरदस्त प्लान दिखाया, और हम तो इनको देख देख के ही कामयाब हो गए। ठीक है, और जिनकी जो अपलाइन है उनको तो वो तो उनकी गोदी में बैठे हैं, और उनको जल्दी से उनको फॉलो करें और जल्दी जल्दी कामयाबी हासिल करें, क्योंकि हमने उनको देख देख के हम भी कामयाब हो गए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। गोल प्रोड्यूसर्स से हमारे साथ, और मैं चाहता हूँ कि जोरदार क्लैपिंग हम उनके लिए भी करें। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल, बहुत ही बढ़िया लेवल, प्लैटिनम्स लेवल। सो उसके बाद और भी बढ़िया लेवल, और प्लैटिनम्स को आज अभी हमने सुना, हमारे स्पीकर थे जो प्लैटिनम डायरेक्ट थे। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेवल होता है फाउंडर्स प्लैटिनम। हमारे बीच में बहुत सारे फाउंडर्स प्लैटिनम भी हैं, मैं चाहता हूँ कि वो भी दो मिनट के लिए टीम को कुछ छोटा सा मैसेज भी दें। So, सबसे पहले कॉल करूंगा फाउंडर्स प्लैटिनम गोइंग एमरल्ड मिस्टर अजय एंड रीता जसाथिया जी। हाँ जी, सबको नमस्कार। अजय जसाथिया, मेडिकल प्रोफेशन, और आज के प्लान के प्रेजेंटर हेमराज वर्मा, जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिखाई। मैं चाहता हूँ कि इनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग। और दोस्तों, बिजनेस बहुत ही बढ़िया है, हर दिन इस बिजनेस को आप सीखिए, डेमो सीखिए, नए लोगों को सिखाइए, ब्रिट वर्ल्ड वाइड को सबमिट करिए। जो वहां पे कुछ समय स्टेप्स दिए गए हैं, जो पिछले जब से बिजनेस स्टार्ट हुए तब से ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड के साथ अगर लोग बिल्डअप करेंगे इसको, और 100% इस बिजनेस को अगर सबमिट होके करेंगे, तो आप 100% इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। बस इस काम को सीखना है और कुछ लोगों को सिखाना है, वो आगे सिखाएंगे, यही बिजनेस है। तो अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, वंडरफुल मैसेज। और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ एक, कि अभी आपने बहुत बढ़िया लीडर को सुना, तो कल हम इन्हीं का प्लान सुनेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट कीजिए इस मीटिंग के बारे में। तो कल का प्लान हमारे बीच में कर रहे हैं मिस्टर अजय रीता जसाथिया जी। So, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फाउंडर्स प्लैटिनम लीडर हमारे बीच में है मिस्टर राजकुमार एंड रूबी जी। नमस्कार सभी को, मैं रूबी, वाइफ ऑफ राजकुमार। हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही पैशनेटली एमबे बिजनेस फील कर रहे हैं, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है, एक्साइटमेंट का बिजनेस है। और आज की प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया थी, सर एंड मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग चाहूंगी। तो जैसे सभी लीडर्स हमें बताते हैं कि इस बिजनेस में हमें सक्सेस होने के लिए क्या करना होगा, 3 पावर्स है जो ऑलरेडी स्ट्रांग है, हमें खुद को स्ट्रांग करना है और इस बिजनेस को विल करना है, अपने ड्रीम फुलफिल करने हैं। और फ्रेंड्स, बिजनेस है बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, और इस बिजनेस के थ्रू हम लाइफ ऑफ चॉइस ले सकते हैं, हमारे जितने भी ड्रीम है हम फुलफिल कर सकते हैं। थैंक यू, बैक टू द होस्ट। थैंक यू मैम, वंडरफुल मैसेज। So, हमारे बीच में एक और फाउंडर्स प्लैटिनम लीडर हैं मिस्टर दिनेश एंड कंचन लता जी। थैंक यू, गुड इवनिंग टू ऑल, मायसेल्फ कंचन, बिजनेस वुमन। और थैंक्स करते हैं परमपिता परमात्मा का कि ये अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में आई और इसने हमारी लाइफ को टोटली चेंज कर दिया। और प्लान, आज के प्लान की बात करें तो हेमराज भैया, बहुत ही जबरदस्त प्लान हुआ है, मैं जोरदार क्लैपिंग चाहूंगी उनके लिए। बहुत बढ़िया सिंपल वे में उन्होंने हर एक चीज को एक्सप्लेन किया, और जो न्यू ज्वाइनर्स है आज इन्होंने ज्वाइन किया है, मैं होप करती हूँ कि आज उन्होंने सब कुछ नोट किया होगा, और जो कोई भी बात आपको समझ ना आई हो वो अपने मेंटर, जो अपने अपलाइन है, उनके साथ बैठ के फिर से उनसे पूछिए और समझिए उसको, और हर एक बात को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कीजिए,
फिर देखिए कि आप कैसे दिन ब दिन ग्रोथ लेते हैं। और बात करूंगी कि सिस्टम के साथ ही प्लग इन रहना पड़ेगा आपको। जितना आप सिस्टम के साथ प्लग इन रहोगे उतना ही आप बहुत बढ़िया इंसान बनोगे, बहुत बढ़िया बिजनेस को ग्रो करोगे। और है छोटी छोटी बातें, उन सबको फॉलो करना है। छोटी छोटी बातें मीन्स कि 100% यूज कर लेना है प्रोडक्ट का। थोड़ी सी बुक्स पढ़ लो डेली बेसिस पे, एक दो पेज डेली पढ़ के सोया करो। और सीडी, एक दो सीडी डेली सुना कीजिए। और सिस्टम, सिस्टम क्या है, मीटिंग के साथ जुड़िए। जो भी मीटिंग आपको कंफर्टेबल लगती है जिस भी टाइम में, आप उसको ज्वाइन कीजिए और सुनिए कि लीडर्स क्या बोल रहे हैं। और हो सकता है कि शायद किस लीडर के साथ आप रिलेट कर जाए और वही बात आपको इस बिजनेस में ले आए। तो थैंक्स, बैक टू द होस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो आगे बढ़ते हैं, अभी वक्त है हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे मेंटर को सुनने का। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में कॉल करूंगा फाउंडर सेंट्रल गोइंग डायमंड मिस्टर विजय एंड कैलाश के साथ जी ऑन द फोटो। थैंक यू सो मच। सबको नमस्कार। टुडे इज अ ग्रेट डे, बहुत ही बढ़िया लगा। और सबसे पहले थैंक्स करते हैं परमपिता परमात्मा का, जिसकी ब्लेसिंग से आज हम जहाँ पे हैं और हमें जो सिस्टम मिला, जो अपॉर्चुनिटी मिली, और उसके बाद जबरदस्त क्लैपिंग जो आज के हमारे स्पीकर कपल थे हेमराज जी एंड पूजा जी, बहुत बढ़िया आसम प्लान और बहुत अच्छे तरीके से लोगों को गाइड करते हैं और बड़े सिंपल सिंपल बातों से लोगों के दिलों में छा जाते हैं। बहुत ही बढ़िया आसम रही आज की मीटिंग और बहुत सारे लीडर्स को आज हमने सुना। और जब मैं सुन रही थी तो मैं विजुलाइज कर रही थी, और ये सब लीडर्स, जब हमारा एक ट्रिप था सिंगापुर में तो हम सब वहां पे थे और इकट्ठे एंजॉय कर रहे थे, तो बहुत एंजॉय किया हमने। और सब लोग इतना मिलजुल के, हमें पता भी नहीं चला कि हम सिंगापुर में हैं, ऐसे लगा जैसे अपने उधर ही घूम रहे हैं। मतलब कहने का भाव ये है कि इतनी दूर इकट्ठे जाना सब लोगों ने मिलके, और बहुत बढ़िया। और टेंशन कोई ना हो, कोई खर्चा ना करना हो, कहीं किसी को ये नहीं पता कि हमारे लिए रूम सब कंपनी तैयार करके रखती है और आने जाने का खर्चा कंपनी का होता है। और अभी हम देख रहे थे कारपोरेट वीडियो और वहां पे भी हमने विजिट की, जब हम उसको देख रहे थे तो मुझे दिख रहा था कि जिस जगह पर हम घूम के आए हैं, जो सब कुछ देख के आए हैं, फ्रेंड्स कंपनी बहुत कुछ कर रही है हमारे लिए। और बट हम क्या करें अपने लिए, ना मैटर ये करता है कि हम क्या कर रहे हैं। और वही लोग जो अभी तक भी इस मीटिंग के अंदर हैं, जो पक्का डायमंड है, इन्होंने डायमंड जाना है। और बहुत सारे लोग, कुछ लोग मीटिंग के अंदर आते हैं, सिर्फ ज्वाइन करते हैं और बाद में दिखते भी नहीं है। फ्रेंड्स अगर हमारे बच्चे ऐसा करें कि हमें उन्हें क्लास में बिठाएं और वो सिर्फ जाएं क्लास अटेंड करें और वापस आ जाएं, कुछ सीखे ना, कुछ नहीं करें, तो आगे नहीं बढ़ सकते। फ्रेंड्स ऐसे ही हमें भी करना है, क्योंकि हमें आगे जाना है, तो हमें आगे लेके यही सिस्टम जाएगा। हम बोल तो देते हैं बट हम फॉलो नहीं करते हैं। फ्रेंड्स अगर हम ये चीजों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं। और कई बार में हम सोचते हैं कि अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी ना मिली होती है, हमें अपलाइन ने ये नहीं बताया होता, तो आज हम कहाँ होते, वहीं पे होते, वही रट सिस्टम चल रहा होता और वही छोटी छोटी लड़ाइयां घर पे चल रही होती। बट थैंक गॉड ये सारे कॉम्प्रोमाइज हमारे टूट चुके हैं और आज हमारी लाइफ फ्री लाइफ हम जी रहे हैं, बहुत बढ़िया लगता है। फ्रेंड्स कई बार ऐसा बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती है ना, कई बार हम सोचते हैं सब लोग हमारे ही, सब लोग इकट्ठे ही हैं, बट जब पता चलता है बस वहीं से हमारे चैलेंज तैयार हो जाते हैं। बट हम जहां उनको छोड़ के जब पार आगे निकल जाते हैं, तब हमें लगता है कि इंसान के अंदर जो पेशेंस है वो कितनी है। अगर आज जो जिस कपल ने आया आपको प्लान दिखाया, अगर पेशेंस की बात करें तो इनके अंदर बहुत पेशेंस है। अगर हम पेशेंस के साथ रहते हैं, बहुत सारी चीजें है ना, कहते हैं जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता, बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजों को हैंडल करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती है, बहुत सारी सहन करनी पड़ती है, तब हम आगे बढ़ते हैं। बट हमें जो सिस्टम मिला है ना, जो हमें पॉजिटिव रखता है, हमें बाकी कुछ चीजें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर हम दिन भर में, जैसे सबने बोला कि बुक पढ़े, मीटिंग के साथ रहे, इतने अगर पॉजिटिव लोग, इतनी पॉजिटिव हो रहा जहाँ पे बड़ा हुआ, तो नेगेटिव सोचने का मतलब भी नहीं है। और एक दूसरे को देख के एक होप मिलती है कि अगर वो कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ। इतनी सारी लेडीज को सुना तो बहुत ही अच्छा लगा कि हर एक लेडी का ड्रीम है कि मुझे दुनिया घूमनी है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे भी समय की आजादी चाहिए, मेरे बच्चों का बढ़िया लाइफस्टाइल हो, मेरे पास ये सारी चीजें हो, तो आप सब पा सकते हो। कल मैं एक सीरी सुनी थी बिलब्रिट की, और उन्होंने बताया कि मेरे पास 27 गाड़ियां हैं, जो मेरी नीड से ज्यादा है, इनकी मुझे जरूरत नहीं है, बट है क्यों,
क्योंकि मेरा सपना है। और हम सब जो उन्हीं का जो बनाया हुआ सिस्टम है उन्होंने स्टार्ट किया, अगर उनके पास जो सब कुछ हो सकता है तो हमारे पास भी तो हो सकता है, हम भी बड़ा सपना ले सकते हैं। अगर हमें एक गाड़ी की जरूरत है, दो गाड़ी की जरूरत है, तो हम चार गाड़ियां रख सकते हैं, क्योंकि हमारे जो सपना है बहुत बढ़िया है। और यही एक सिस्टम है, यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम बड़ा सोच सकते हैं, और बड़ा सोचने के साथ साथ हम बड़ा पा भी सकते हैं। अगर हम लोग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया कर सकते हैं। सब लोगों के सपने हैं, रास्ता मिला है, सपने पूरे करने हैं। फ्रेंड्स, इंसान बन के दुनिया में आए हैं, जो सारी चीजें जितनी भी बनी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां बनी है, ये सब हमारे लिए बनी है। बट हमें सोचना है, हमें करना है। अगर इंसान के लिए सब कुछ बना है, अगर इंसान मेहनत ही ना करे तो वो हम चीजें नहीं पा सकते। बट मेहनत हम कर रहे हैं, हमें जॉब मिली है, कोई प्राइवेट जॉब करा है, गवर्नमेंट जॉब करा है, हाउस वाइफ है, शॉपकीपर है, सब कोई काम करा है। क्यों? अपनी नीड्स के लिए। और उसके साथ हमें एक्स्ट्रा करना है 2-3 घंटे, तो वहां से हमारे सपने पूरे होंगे। हम ये नहीं कहते कि आप अपना पहले वाला काम डिस्टर्ब करो, उसके साथ साथ करना है। हमारे पास बचा हुआ टाइम होता है, वेस्ट टाइम होता है। अगर हम इस सिस्टम को देते हैं, इस बिजनेस को देते हैं, तो डेफिनेटली हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है सब लोगों को सुन के, सब लोग अपने सपनों की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है, सबके सपने पूरे करेगी। अगर हम लोग दुनिया घूम सकते हैं, हम लोग गाड़ियां खरीद सकते हैं, हमारे पास पैसा हो सकता है, आप सबके पास हो सकता है, आपका नेम फेम हो सकता है। मैं थैंक्स करती हूँ अपने हस्बैंड का, जिन्होंने इतने टफ टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड करने का डिसीजन लिया, और इतने सारे लोगों को होप दी। और जब नो मिलती थी, जब चैलेंज आता था, तब हम ये सोचते थे कि अगर आज हम इस बिजनेस को नहीं करते हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए एक हम बैड एग्जांपल बनेंगे कि उन्होंने नहीं किया, नहीं हो सकता। बट अगर आप करके दिखाते हो तो सब लोग आपका फॉलो करेंगे कि अगर उन्होंने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। अगर हम लोग कर सकते हैं सिंपल से कपल इस बिजनेस को, आप बहुत बढ़िया कर सकते हो। अपने अपने सपनों के लिए करना है, अपना अपना काम है, एमबे ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है। और अगर हम सोचें कि अगर हमें कोई बिजनेस करना हो, अगर करोड़ों अरबों रुपए लगा के भी हम बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते, हमारे पास है भी नहीं, समय भी नहीं है, बट पैसा भी नहीं है, बट होगा भी तब भी हम इतना बड़ा बिजनेस नहीं चला सकते। जो बिजनेस हमारे घर से स्टार्ट होता है, नेटवर्क क्रिएट करना है, बहुत सारे लोगों को जो बिजनेस मिलता है ना, अगर हम वैसे जो हम मार्केट के प्रोडक्ट यूज करते हैं करते रहे तो क्या मिलता है? हमें सस्ते मिल जाए कोई बात नहीं, हमें अच्छे भी मिल जाए कोई बात नहीं, बट हमें अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिल सकती ना, हमें दुनिया घूमने का मौका नहीं मिल सकता। और इसीलिए हम एक ब्रांड के साथ हैं, 100% प्रोडक्ट यूज करिए और अपनी जिंदगी को चेंज करिए, अपने बच्चों के सपने पूरे करिए। थैंक यू सो मच। बैक टू द होस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, वंडरफुल मैसेज। और मैं चाहता हूँ एक बार हम सर के लिए भी जोरदार क्लैपिंग करें, आज वो हमारे साथ इस मीटिंग में नहीं है, कहीं आउट ऑफ स्टेशन है, पर मैं उनका थैंक्स करना चाहता हूँ और मैम का भी थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि आज अगर हम इस मीटिंग में इकट्ठे हैं तो उनकी वजह से है, और एक साथ मिलकर उनकी वजह से ही हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। आज की मीटिंग को हम यही क्लोज करेंगे। मैं चाहता हूँ कि एक बार हम सभी अनम्यूट करके जोरदार क्लैपिंग अपन आज के स्पीकर के लिए भी करें, और उसके बाद हम इस मीटिंग को क्लोज करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं सेम टाइम में एक बढ़िया स्पीकर के साथ। सो थैंक यू।